कुछ और भी लोग हैं जो एलविस यादव को टारगेट कर रहे हैं जस्ट फॉर टीआरपी, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोई पहली बार तस्वीर नहीं आई है काशी विश्वनाथ से, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं और लोग जवाब भी दे रहे हैं, एलविस आर्मी भी एलविस यादव को डिफेंड कर रही है और उन तस्वीरों को दिखा रही है जो तस्वीरें पहले आ चुकी हैं। और अभी पहले ही सोमवार को सावन का जो पहला सोमवार था वहां पर भी एक एमएलए ने भी तस्वीर डाल रखी है, जाकर वहां पर फोटो खिंचवाई है, लेकिन किसी पर मामला दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ एलविस यादव पर ही दर्ज। अब आप देखिए एलविस यादव के जो समर्थक हैं उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एलविस यादव ने तो परिसर में तस्वीर ली है, जबकि ये देखिए कितने सारे पॉलिटिशियन हैं, इसमें प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल गांधी हैं और अजय देवगन हैं, नीता अंबानी है, इन सबकी तो गर्भगृह की तस्वीरें हैं, गर्भगृह में कैसे उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है वो भी सामने आई है, परिसर की तस्वीर है, राजकुमार राव की है, अखिलेश यादव की भी अंदर की तस्वीरें हैं, इसमें वो सारे तमाम नेता हैं जिनको लेफ्ट लॉबी डिफेंड करती है, उन नेताओं के साथ साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, कुमार विश्वास की भी तस्वीर है, तमन्ना भाटिया की भी तस्वीर है, कई लोगों की तस्वीरें हैं। अब अगर एलविस यादव के खिलाफ FIR होनी चाहिए, अगर वो दोषी हो गए, वो अपराधी हो गए, उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली वहां पर, तो इन सब पर एक्शन होना चाहिए।